आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली की मेयर रानी अग्रवाल को मध्य प्रदेश आपका अध्यक्ष बना दिया है। अब तक आपके अध्यक्ष रहे पंकज सिंह को आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी गई है। कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनाव में मुसीबत बढ़ा रही आम आदमी पार्टी ने एमपी में भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 29 जनवरी को आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश की राज्य और जिलों की कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी। 2 महीने बाद सिंगरौली की मेयर रानी अग्रवाल को आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर संगठन की कमान सौंपी गई है। रानी अग्रवाल के साथ ही 8 विंग के भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके अलावा 1 प्रदेश महासचिव, 3 उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश सचिव, 18 प्रदेश संयुक्त सचिव बनाए गए हैं। इंदौर के पीयूष जोशी को मुख्य प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया। 5 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे आईएस मौर्य को आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटीड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।